हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जितने भी भर्ती के नए नियम बने हैं उनको शेयर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितनी भी सिलेक्शन होगी वो स्टेट मेरिट के आधार पर होगी, डिस्ट्रिक्ट मेरिट के आधार पर नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है कि पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा पहले रिटर्न एग्ज़ाम। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और ये स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवारों को जो है लंबाई के अतिरिक्त अंक मिलेंगे। भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार पुरुष उम्मीदवार को जो है 5 फुट 7 इंच से जिसकी लंबाई कम है उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 फुट 7 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच तक जिसकी लंबाई है उसको 1 अंक मिलेगा। और 5 फुट 8 इंच से लेकर जो है 5 फुट 9 इंच तक जो है उसको 2 अंक मिलेंगे। और जिसकी हाइट 5 फुट 9 इंच से 5 फुट 10 इंच तक है उसको 3 अंक मिलेंगे। और जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच से लेकर 5 फुट 11 इंच तक है उसको 4 अंक मिलेंगे। और 5 फुट 11 इंच से लेकर 5 फुट 12 इंच तक की लंबाई वाले उम्मीदवारों को जो है 5 अंक मिलेंगे। और जिसकी हाइट जो है 6 या फिर इससे अधिक है उसको 6 अंक मिलेंगे। और महिला उम्मीदवारों को जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच से कम है उसको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। और जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच से लेकर 5 फुट 4 इंच तक है उसको 1 अंक मिलेगा। 5 फुट 4 इंच से 5 तक जो है 2 अंक मिलेंगे। 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 6 इंच तक के उम्मीदवारों को 3 अंक मिलेंगे। और 5'6" से 5'7" तक की लंबाई के उम्मीदवारों को 4 अंक मिलेंगे। और जिसकी हाइट जो है 5'7" और 5'8" के बीच है उसको 5 अंक मिलेंगे। और जिसकी हाइट 5'8" से ज़्यादा या फिर 5'8" तक की है उसको 6 अंक मिलेंगे। और अगला नियम है, ऊंची और लंबी कूद के लिए 3-3 मौके मिलेंगे, यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3-3 मौके मिलने वाले हैं। तो मेल कैंडिडेट को जो है 1.35 मीटर यानी 4.515 फीट हाई जंप लगाना होगा और 4 मीटर यानी 13.148 लॉन्ग जंप लगाना होगा। तो इसके लिए आपको जो है 3 मौके मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट को 1.10 मीटर यानी 3.7 फीट का जो है हाई जंप लगाना होगा और 3 मीटर यानी 9.10 फीट का जो है लॉन्ग जंप लगाना होगा। और इसके लिए महिलाओं को भी 3 मौके दिए जाएंगे। और जो रेस की टाइमिंग है, पुरुष उम्मीदवारों को जो है यानी मेल कैंडिडेट को जो है 14 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना होगा और 5.30 सेकंड यानी 5 मिनट 30 सेकंड में जो है आपको 1500 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। और इसके लिए जो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रेस टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 100 मीटर की दौड़ जो है आपको 17 सेकंड में पूरी करनी होगी और 800 मीटर की दौड़ आपको 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट, जो आपको एज रिलैक्सेशन दी जा रही है 18 से 26 वर्ष सामान्य उम्मीदवारों के लिए है, 18 से 28 वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गोरखा और प्रतिष्ठित खिलाड़ी के लिए 18 से 28 वर्ग का जो है आपको आयु वर्ग निश्चित किया गया है और 20 से 29 वर्ष की उम्र जो है होमगार्ड के लिए निर्धारित की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल की प्रेपरेशन कर रहा है तो हमने जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू किया है, मिशन वर्दी सीरीज। तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।